एगलेस चोको आलमंड कुकीज। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये मैंने आलमंड है जिसको पाउडर कर लिया है, थोड़े से आलमंड गार्निशिंग के लिए भी है, ये कोको पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इसके अलावा होल व्हीट है मेरे पास यानी कि गेहूं का आटा है, बटर है, अगर आप एक बोल आटा ले रहे हैं तो लगभग आधा बोल बटर लें, ये थोड़ा सा मैदा है, 1 से 2 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़ी सी बाइंडिंग भी आए हमारी कुकीज़ में, और ये शुगर है, पिसी हुई चीनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एगलेस होल व्हीट चोको आलमंड कुकीज़। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, गेहूं का आटा ले लेते हैं हम और इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा मैदा, लगभग 2 चम्मच, और इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसको साइड रखते हैं हम और बटर ले लेते हैं और बटर में डालते हैं शुगर, ये पिसी हुई चीनी है, और इसको एक स्मूथ मिक्सचर बना लेते हैं इन दोनों का, बटर का और शुगर का। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो बटर है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये मेल्ट करके भी यूज़ नहीं करना है हमें, और ना ही फ्रीज़र से निकाला हुआ, फ्रिज से निकाला हुआ भी यूज़ नहीं करना है। और इसको अच्छी तरह से एक स्मूथ कंसिस्टेंसी तक मिक्स कर लें, और थोड़ी सी शुगर इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो बटर है और शुगर का मिक्सचर है ये डालेंगे हम, जो हमारा गेहूं का आटा, और थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा साथ में इसमें हमें डालना है कोको पाउडर, लगभग 2 चम्मच कोको पाउडर डाल देंगे। और अब इसको मिक्स कर लें और एक सॉफ्ट डो गूंदना है हमें। जैसे जैसे बटर मेल्ट होता जाएगा आपका डो सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये हमारा बटर, शुगर और गेहूं का आटा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और हम बना रहे हैं चूँकि ये होल व्हीट चोको आलमंड कुकीज़, तो इसमें अभी तक हमने आलमंड तो ऐड किया ही नहीं, ये आलमंड पाउडर करके रखा है मैंने, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये आलमंड पाउडर इसके अंदर डाल दें आप और इसको भूनते जाना है। हमने अवन को प्री हीट होने रख दिया है 200 डिग्री पे, अवन हमारा प्री हीट हो रहा है और तब तक में ये हमारा डो भी ऑलमोस्ट गूंद गया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डो बहुत प्रॉपरली नहीं गूंदा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच गरम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा गरम दूध डाल देता हूं मैं, लगभग 2 चम्मच, और इसके बाद एक सॉफ्ट डो इसका गूंद लेना है हमें। तो ये डो हमारा तैयार हो गया है और अब हम इससे कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ बनाने के लिए क्या करना है, तो इस तरह से इसके छोटे छोटे अब हमें बोल बना लेने हैं और बोल बना के किसी भी मोल्ड में ऐसे रख के इसको प्रेस कर लें और रिमूव कर दें। तो इस तरह से, और इसी तरह से दूसरी कुकी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर और मोल्ड में डाल के इसको इस तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करके, चूँकि ये आलमंड कुकीज़ है तो चलिए यहाँ साइड में आलमंड लगा देते हैं, इस तरह से आलमंड से गार्निश कर देते हैं। और इसी तरह से हम सारी कुकीज़ तैयार करके प्री हीटेड अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको 20 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसको पलटा के 4 मिनट के लिए और रख दें ताकि ये दोनों तरफ से क्रिस्प हो जाए। तो हमारे अवन ने इंडिकेशन दे दिया है कि कुकीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए मैं इनको बाहर निकाल के सर्व करता हूँ। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है और बहुत आसान है। जैसा आपने देखा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये कुकी।